नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल किसान जानकारी। मैं अभिषेक आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। और किसान भाइयों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो EKYC हो रही थी, पहले OTP के माध्यम से हो रही थी, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था और अब फिर से इसे जो है फिर से चालू कर दिया गया है। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन वाले CSC के पास जाते तो वहाँ पर 50 रुपये और 15 रुपये शुल्क आपसे लेता। इसलिए यहाँ पर नया अपडेट आया हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से। यहां पर आप अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जो है EKYC कर सकते हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेसिंग में आज आपको बताऊंगा, तो चलिए पूरा वीडियो देखिए। तो अपने स्मार्टफोन में आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां पर लिखेंगे पीएम किसान, इस तरह से लिखकर आप जो है सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और वहां पर लिखा है पीएम किसान। इस पर जो है क्लिक करना है पहले नंबर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने नज़र आ जाएगी। किसान भाइयों, यहां पर देख सकते हैं OTP के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो है आप EKYC कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं पूरी प्रोसेसिंग बताऊंगा। किसान भाइयों, घबराना नहीं है, 31 मई तक जो है आप EKYC कर सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में। तो चलिए हम नीचे की ओर जाएंगे। जैसे ही हम नीचे की ओर जाएंगे, थोड़ा सा जाते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए फार्मर कॉर्नर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है EKYC, ये सर्च का यहाँ पर निशान बना है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आगे का पेज ओपन होगा और यहाँ पर जिस किसान का आप जो है यहाँ पर EKYC कर रहे हैं उसका जहाँ पर जो है आधार नंबर डाल देते हैं। जैसे ही आधार नंबर डालने के बाद नीचे लिखा हुआ सर्च, जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। किसान भाइयों, यहां पर दिया जा रहा है कि आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहां पर दर्ज करना होगा। तो चलिए मैं यहां पर नंबर दर्ज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, हमने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिया। दर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखा गेट मोबाइल OTP, यहाँ OTP पर हम इस नंबर पर OTP भेजेंगे। तो इस पर जो है क्लिक करेंगे गेट मोबाइल OTP। तो किसान भाइयों, यहाँ पर इस नंबर पर OTP आ गई है, तो OTP यहाँ पर हम जो है दर्ज कर देते हैं। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, हम जो है OTP दर्ज करने के बाद जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक और OTP भेजी जाएगी। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर भेजी जाएगी, जो आधार से लिंक है उस पर जो है OTP यहाँ पर भेजी जाएगी। आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर लिंक है, आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक और OTP भेजी जाएगी। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर जो है एक और OTP भेज दी गई है, वो आती है, हम उसका वेट करते हैं। जैसे ही आती है तो हम उसे सबमिट करेंगे। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, एक और यहाँ पर आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक था उस पर भी OTP आ गई है, तो उस OTP को यहाँ पर हम दर्ज कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये देख सकते हैं आप, हम जो है इस OTP को यहाँ पर दर्ज करने के बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ सबमिट, जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं किसान भाइयों, तो यहाँ पर जो है OTP के माध्यम से जो हम KYC कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है EKYC इज ए सक्सेसफुल। यहाँ पर देख सकते हैं आप रेड कलर में, यहाँ पर रेड कलर का आता था लेकिन यहां पर सक्सेसफुल हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं आधार OTP EKYC, यहां पर देखिए EKYC इज ए सक्सेसफुल यहां पर हो चुकी है, इनकी जो है EKYC जो है सक्सेसफुल हो चुकी है। तो किसान भाइयों, इस तरह से जो है आप आसानी से जो है EKYC कर सकते हैं अपने घर बैठे ही। और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप।